बिजली बिलों के माध्यम से राजस्थान की सरकार उपभोक्ता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। छूट भी दी है 100 यूनिट, छूट का तो कहाँ छूट दी है, 4.5 सालों की अब सरकार जा रही है तो जाती हुई सरकार में क्या तो छूट है, क्या हो रहा है मोबाइल वो बांटने का, वो कितने बोले हम 40 लाख बांटेंगे, फिर करते करते बोले लाख बांटेंगे, करते करते 40,000 पर आ गए, फिर बोले ये नवी पड़ी होनी चाहिए नरेगा में उसका नाम होना चाहिए, लास्ट में करते करते इस बात पर आ गए बोले विधवा होनी चाहिए। किसानों ने ये कहा कि 2019 के बाद हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है, हालांकि प्रीमियम उनका लगा था। बात करें चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, टिकटों का भी बंटवारा होना है, तो पिछली बार भी आपने टिकट मांगी थी, इस बार क्या उम्मीद है? इसी साल के अंत में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव का विगुल जो है वो बज चुका है और सियासी पारा जो है वो भी चढ़ चुका है, जो प्रत्याशी हैं और जो टिकट के दावेदार हैं वो लोगों से जनसंपर्क उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज काशीराम गोदारा जो है वो लालखां ढाणी नोर विधानसभा के गाँव में जनसंपर्क अभियान के तहत जो है ग्रामीणों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग गहलोत सरकार से किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? गहलोत सरकार को राजस्थान की जनता, राजस्थान का हर वर्ग पूरी तरह से नकार चुका है, क्योंकि ये सरकार झूठ के सहारे पर बनी और झगड़े के बुनियाद पर चली और राजस्थान का नुकसान करने का, राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचाने का जितना काम इस बार की गहलोत सरकार ने किया है शायद कोई सरकार का कर नहीं सकती, क्योंकि गहलोत जी का ध्यान तो पूरे 4.5 साल तक सरकार को बचाने में लगा रहा, इसी जोड़ तोड़ में इसी जुगाड़ में लगे रहे तो काम करने की इनको फुर्सत नहीं मिली, सिर्फ झूठे वादे थोते नारे लेकर के ये अपना काम चला रहे हैं। और राजस्थान के अंदर जो हालात इन्होंने करी, झूठ इन्होंने तब बोला था राहुल गांधी जी ने चुनाव के समय 2018 में कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे संपूर्ण, लेकिन एक भी किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन 12 बार इन्होंने वृद्धि करी है। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को 3500 रुपये मासिक भत्ता देंगे, लेकिन एक भी रोजगार को मासिक भत्ता इनको नहीं मिला है। ये सारी हालात राजस्थान के कानून व्यवस्था की स्थिति इन्होंने चौपट करके रख दी, जंगल राज की स्थिति राजस्थान में इन्होंने बना दी है, राजस्थान अपराध की दृष्टि में प्रथम स्थान पर आज आ चुका है, राजस्थान को इस बात से शर्मसार होना पड़ता है। तो ये सारी बातें देख करके राजस्थान की जनता हर प्रकार से कांग्रेस सरकार से गहलोत सरकार से छुटकारा पाना चाहती है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन बनाने का, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। आप तो विधानसभा में गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने खड़ी है जो आप दूर करना चाहते हैं? हमारे ही क्षेत्र में तो विशेषकर जो समस्या है वो सिंचाई पानी की सबसे बड़ी समस्या है, ये एक समस्या लाख समस्याओं से भी बड़ी है, क्योंकि सिंचाई पानी किसानों के जीवन और मरण का प्रश्न है। सिंचाई सुविधा मिले तो किसानों का जीवन ठीक प्रकार से चले और सिंचाई लगातार सुव्यवस्थित के हर किसान को मिले तो किसान के घर में समृद्धि आए, तो वो व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, क्योंकि 2002 के अंदर जब मैं भारतीय किसान संघ में जिला अध्यक्ष था, सब किसानों को साथ लेकर लगभग 15-16 हज़ार किसानों ने एक बड़ी रथ यात्रा क्षेत्र यात्रा 125 गाँव में निकाल करके और राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा था। हमने लंबी लड़ाई लड़ी 47 दिन और 47 रात पड़ाव डाला था, तब जाकर सरकार ने घुटने टेके और जनता की मांग मानते हुए नहरों में पानी छोड़ा था, 4-5-6 साल तक पानी चला भी। लेकिन वर्तमान समय में हालात ये हो गए कि नहरों के अंदर पानी एक रेगुलेशन बनता है, उसके मुताबिक नियमित पानी चलना होता है, ये एक स्टिक व्यवस्था होती है, इसमें कोई दूसरी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन जैसे नहरों में पानी रेगुलेशन के मुताबिक तो नहीं आता, उससे आधा पानी एक दिन चलता है, दूसरे दिन और कम हो जाता है, तीसरे दिन बंद हो जाता है, 2 दिन बंद रहकर 4th दिन फिर आता है और फिर 1 दिन चलकर बंद हो जाता है, ये हालात है। तो इस कारण से खेतों में फसलें चल रही है, किसान खून के आंसू रो रहे हैं, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, बिजली उपभोक्ता परेशान है और बिजली बिलों के माध्यम से राजस्थान की सरकार उपभोक्ता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। छूट भी दी है 100 यूनिट की सरकार, छूट का तो कहाँ छूट दी है, 4.5 सालों की अब सरकार जा रही है तो जाती हुई सरकार में क्या तो छूट है, क्या हो रहा है मोबाइल वो बांटने का, वो कितने बोले हम 40 लाख बांटेंगे, फिर करते करते बोले लाख बांटेंगे, करते करते 40,000 पर आ गए, फिर बोले ये नवी पड़ी होनी चाहिए नरेगा में उसका नाम होना चाहिए, लास्ट में करते करते इस बात पर आगे बोले विधवा होनी चाहिए, तो कौन मोबाइल लेगा कि कोई, ये क्या घोंसलेबाजी है, किस प्रकार की सौदेबाजी कर रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें, क्या ये क्या स्थिति इन्होंने बनाकर रख दी। तो अगर बात करें चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, टिकटों का भी बंटवारा होना है, तो पिछली बार भी आपने टिकट मांगी थी, इस बार क्या उम्मीद करें? मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा और विश्वास है और मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मेरा प्राथमिक प्रवेश जब हुआ 15 साल की उम्र में पढ़ाई
मुझे संघ के माध्यम से एक राष्ट्रवादी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संगठन के माध्यम से मुझे संस्कार मिले, सेवा की मुझे संकल्पना मिली और उस संस्कार और सेवा संकल्पना को लेकर के मैं जीवन पर्यंत मैं देश के लिए, समाज के लिए, किसान वर्ग के लिए काम करने का, उनकी सेवा करने का मैं संकल्प लेकर चल रहा हूँ। जब मैं भारतीय किसान संघ में था तो बड़े बड़े आंदोलन 125-125 गाँव की रथ यात्राएं हमने, रात्रि चौपाले, अनेकों ऐसे कार्यक्रम किसानों को जागृत करने का काम किया। 15-15, 16-16 हज़ार किसानों के बड़े बड़े आंदोलन किए, नहरों में उन आंदोलनों के माध्यम से पानी मिला। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते प्रत्येक गांव के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी श्रृंखला खड़ी करी है। प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति अपनाकर बूथ तक कार्यकर्ताओं में मैंने जोड़ा है। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ जो मेरे माध्यम से लाइव हुआ है, आज बच्चे से जिम्मेदारियों पर काम कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र मेरे लिए घर परिवार जैसा है। पूरा नौर विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए पूरा नौर विधानसभा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति, एक एक घर, एक परिवार, हर समाज का व्यक्ति, सर्व समाज को मैं मेरा अपना परिवार मानता हूँ। और क्षेत्र के लोग तो इसके लिए मैं सेवा के लिए समर्पित हूँ और मैं संकल्प ले रखा भी मैं मरते दम तक इस क्षेत्र की, देश की, समाज की सेवा करूँगा, क्यों संस्कार मुझे इस प्रकार के मिले। पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए जहाँ जहाँ जिस मंच पर भी बात आई तो मैंने इस क्षेत्र के हित की बात करी, विशेषकर कृषि, किसान और पानी की बात हमेशा मैंने करी है। और निश्चित रूप से पार्टी पर मुझे भरोसा है, पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो जनता पर मेरा पूरा विश्वास, जनता मेरे साथ है, जनता का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है। निश्चित रूप से मुझे प्रतिनिधित्व मिलेगा तो मैं इस क्षेत्र की जो ज्वलंत समस्या है सिंचाई पानी की, इसको मैं समूल दृष्टि से जड़ से इस समस्या को समाप्त करके इस क्षेत्र के एक एक खेत का, एक एक गांव का, एक एक खेत का, एक एक खुड का पानी, बूंद बूंद पानी लेकर आने का काम करूंगा। ये मेरा एक संकल्प है। हम किसानों से भी मिल रहे हैं, अभी खेतों में गए, लोगों से बातचीत की किसानों से। अब की बार बारिश भी सामान्य से बिल्कुल ही कम हुई है, ना मात्र के करीब। तो किसानों ने ये कहा कि 2019 के बाद हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है, हालांकि प्रीमियम उनका लगातार कट रहा है। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो फसल बीमा योजना के माध्यम से पहले किसानों को इस प्रकार का क्लेम कभी नहीं मिला, क्योंकि नियम कानून कायदे ऐसे जटिल बना रखे थे कि उसका प्रीमियम तो कटता था लेकिन क्लेम कभी नहीं आता था। मोदी जी ने आने के बाद में पहले जो 50% से अधिक खराबा होगा तो खराबा मानेंगे, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में ये नियम संशोधित किया और कहा कि अगर 33% खराबा भी होता है तो उसको भी पूरा खराबा मान के क्लेम देंगे। दूसरी उस समय तहसील को इकाई मानते थे, पूरी तहसील में खराबा होगा 2014 से पहले तो उसको खराबा मानेंगे, लेकिन तहसील तो बहुत बड़ी होती है, एक खेत में खराबा होता है दूसरे में नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में पटवार सर्किल को उसका इकाई बना दिया और एक पटवार सर्किल में अगर नुकसान होगा तो उस क्षेत्र के किसानों को उसका बीमा प्रीमियम मिलेगा। तो आमूलचूल परिवर्तन क्या है, उससे हमारे गंगानगर जिले में नौर विधानसभा क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का फसल बीमा अभी तक किसानों के खाते में आए, किसानों को एक संबल और राहत मिली है मोदी जी के इस कानून संशोधन से, फसल बीमा प्रति किसानों के प्रति संवेदना के कारण। लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे हैं ना, बीमे की राशि तो 2019 के बाद भी आई है, आज भी आ रही है, लेकिन कुछ की आती है कुछ की नहीं आती है, ये आप समझते हैं क्योंकि आप एक चैनल ई समाचार चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करने का और सरकार के काम खींचने का काम भी आप लोग करते हो, तो सारी सरकार की गतिविधियां आपके भी ध्यान में रहती है। तो इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, विशेषकर किसान वर्ग, मोदी जी का मुरीद बन गया फसल बीमा योजना से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से और किसानों की MSP बढ़ाने से और किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में हर प्रकार की योजनाएं नई लेकर आने से और कृषि, किसान, पानी, सिंचाई सब व्यवस्थाओं को लेकर के मोदी जी किसानों के लिए जो काम करें। तो ये कांग्रेस सरकार हकलाई हुई, बौखलाई हुई, पगलाई हुई कांग्रेस सरकार, मोदी जी के प्रति किसान मुरीद न हो और फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिले, इसलिए क्योंकि एजेंसी जो कृषि विभाग है या प्रशासनिक व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हों, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू के हों, इनके माध्यम से पोर्टल पर वो डाटा जाता है और वो राज्य सरकार की हिस्सेदारी उसमें शामिल होती है, तब जाकर फसल बीमा मिलने की एक प्रक्रिया और प्रावधान है। लेकिन इस सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, वो अड़ंगे अड़ा करके कभी पोर्टल खराब करके, कभी पोर्टल पर डाटा नहीं डाल करके, कभी ये हम ये करवाएंगे, केंद्र की योजना में राज्य सरकार बाधा बन रही है, बाधा बन रही है। यदि यहाँ भी बीजेपी की सरकार होती तो निश्चित रूप से वादा नहीं बनती और वो भी सहयोग करती, 100% किसानों को लाभ मिलता। अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे, नोहर को जिला बनाने की आपने संघर्ष काफी किया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से नोहर को जिला बनाने में मैंने और मेरे अनेकों साथियों ने और सामूहिक रूप से बहुत बड़ा प्रयास किया, क्योंकि नोहर जिला बनने की हर उसको मापदंड को पूरा करता है। और नोहर ही नहीं, पूरे राजस्थान में भी एक भावना थी कि अगर 5-4 जिले भी बनेंगे तो नोहर तो निश्चित रूप से जिला बनेगा ही, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों की निश्चित रूप से कमजोरी रही है, इस कारण से ठीक प्रकार से इस विषय को मुख्यमंत्री के, सरकार के सामने रख नहीं पाएंगे, रखा तो उनकी बात मानी नहीं होगी। इसलिए हमने जिले बनाने की बात को लेकर के और सब लोग हम सम्मिलित थे, एक बड़ा कड़ा संघर्ष हमने किया, लंबे समय तक आंदोलन चलाए, पदयात्राएं भी की हमने, 14 प्रकार की यात्राएं और सभाएं पूरे क्षेत्र में की, जो जो क्षेत्र हमने जो एक नक्शा, एक भौगोलिक परिसीमन
तकरीबन हमने तय करके जो सरकार को दिया था भी जिला बनाया जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जून तक नहीं रहेगी, कहीं कहीं प्रतिनिधियों की कमजोरी है ये। ठीक है महाराज जी, देश में जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की बातें आज के समय में हो रही है, आप वर्तमान राजनीति को किस तरह से देखते हैं? राजनीति को आज की जो राजनीति है ये अध्यात्म पूर्ण राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म पूर्ण जो राजनीति है वो ही देश को सही दिशा दे सकती है। रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान भी जो है वो अध्यात्म से ही निकला है। विज्ञान में जो जो तथ्य हैं, जो जो उसके सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे अध्यात्म से ही आए हैं, हमारे वेदों से ही आए हैं, और उन वेदों के सूत्रों से ही विज्ञान चल रहा है। इसलिए विज्ञान कोई अलग नहीं है, धर्म संस्कृति के साथ में विज्ञान जुड़ा हुआ है और अध्यात्म के साथ में विज्ञान जुड़ा हुआ है, और इसी के माध्यम से अगर चलेंगे तो राजनीति अच्छी होगी और राजनीति लोग भी अच्छे होंगे। ये हमारे साथ काशीराम जी गुदारा थे, जो कि गांव-गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और इस बार जो है टिकट की जो दावेदारी है वो प्रबल मानी जा रही है, लोगों में भी खासा चर्चा है कि इस बार जो टिकट है वो काशीराम गुदारा को मिलेगी। अगर मुद्दों की बात करें तो नौर विधानसभा में सिंचाई के पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा जो है नोहर को जो है जिला बनाने का संघर्ष जो है लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नोहर को जो है जिला नहीं बनाया गया है। पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की प्रमुख यानी कि किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो इस समय जो है मौजूदा समय की बात करें तो वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और काशीराम गुदारा जो है वो गाँव में जाकर वो कह रहे हैं कि जो है विधायक बनने के बाद सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का हल किया जाएगा। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।